हाय एवरीवन, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फनलैंड बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने मेडिकल के रिगार्डिंग अभी अभी एक नोटिस जारी किया है। क्या कुछ उस नोटिस के अंदर है, क्या कुछ नहीं है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं उस नोटिस के ऊपर जो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर भेजा है, और जो नोटिस है वो आपके सामने है। ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रिक्रूटमेंट दिल्ली नोटिस, मेडिकल एग्जामिनेशन टू द पोस्ट ऑफ कैंडिडेट एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। All the 5076 selected qualified candidates, male in the final result declare 15-12 को जो किया गया था by the staff selection commission, post of the constable, male and female in Delhi Police Examination 2020 hereby informed to get themselves medically examined by medical officer in any central state government hospital, ठीक है, और प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, यहाँ पर आपका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल था, जो बार बार आप पूछ रहे थे, उसके ऊपर यहाँ पर आपको क्लैरिफिकेशन जो है वो ऑटोमेटिक आपको मिल गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, कि आप अपना जो मेडिकल है, जो आपका मेडिकल है वो आप कहाँ से करवा सकते हो, वो कोई भी आपका सेंट्रल या स्टेट, ठीक है, कोई भी हॉस्पिटल हो, लेकिन वो कैसा हॉस्पिटल होना चाहिए, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो आपका है वहाँ पर होना चाहिए। उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप उसको करवा सकते हो अपने मेडिकल को। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे स्टेट के अंदर ही करवाना जरूरी है, तो वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने उस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि आपको क्या करना है, जो स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो आपका प्रिस्क्राइब्ड आपके होते हैं, जो मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, चाहे वो आपका कहीं पर भी हो, आप उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपना मेडिकल कंडक्ट करवा सकते हैं। तो पहले सवाल का जवाब आपको यहाँ पर मिल गया आपका, जो आप बार बार कमेंट्स में भी पूछ रहे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये एक कॉपी ऑफ रूल 914 ये आपको दिया हुआ है, अपेंडिक्स ऑफ दिल्ली पुलिस अपॉइंटमेंट वेबसाइट ऑफ दिल्ली पुलिस, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा नोटिस इन्होंने डाला है, जिसके ऊपर आपको वो मेडिकली कुछ फॉर्म में फिल करना है, वो वाला भी वहाँ पर दिया हुआ है, उसके बारे में ये बताया हुआ है, उसके ऊपर आगे हम वीडियो में देखेंगे। इसके बाद क्या गया है, कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज टू ब्रिंग ए सर्टिफिकेट फॉर्म ऑफ कंसर्न मेडिकल ऑफिसर ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही सी मेडिकली एग्जामिन्ड एज पर रूल, ठीक है। क्या कह रहा है, द सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी एंड रिक्वायर्ड टू सबमिट विद द मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट। इसके साथ, इसी नोटिस के साथ एक मेडिकल फॉर्म आपको दिया गया है, वो भी आपको भरना है, मेडिकल ऑफिसर से अटेस्ट करवाना है, और उसके बाद जो आप मेडिकल करवाओगे उसके साथ अटैच करके उसको सबमिट करवाना है। अब वो नोटिस क्या है, वो क्या फॉर्म है, एक बार उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट है ये वाली नोटिस के साथ आई है, और ये आपको क्या करना है, जो आपका मेडिकल आप करवाओगे प्लस ये वाली सर्टिफिकेट, आपको दोनों अटैच करके वहां पर आपको जमा करवानी है। देखिए, दिस इज सर्टिफाइड दैट कैंडिडेट मिसेज जो भी एक्स वाई जेड जो भी आप हो, रोल नंबर आपका YYY जो भी है, डॉटर हो आप, जो भी हो, रेजिडेंट जो भी आपका है, यहाँ पर आपको भर देना है। सिलेक्टेड क्वालिफाइड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ कैंडी, आपका कॉन्स्टेबल के लिए आप सिलेक्ट हो, पुलिस एग्जामिनेशन एंड हैज बीन मेडिकली एग्जामिन्ड इन अवर हॉस्पिटल, दैट इज यहाँ पर वो हॉस्पिटल का नाम आ जाएगा, एंड फाउंड मेडिकली फिट या अनफिट, यहाँ पर वो आपको बताया जाएगा कि आप मेडिकली फिट है या अनफिट है। अगर आप अनफिट है तो अनफिट को टिक कर देगा, अगर आप फिट है तो आपको फिट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं, इस पर्टिकुलर जो रूल 914 जो आपका दिल्ली पुलिस का जो रिक्रूटमेंट के लिए जो रूल है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप फिट है तो आपको फिट करेगा, अनफिट है तो अनफिट, ये एक सर्टिफिकेट बना के दे देगा। इसके बाद आपको यहाँ से ही पता लग जाएगा कि अगर आप यहाँ पर फिट कर दिए तो आपकी मेडिकल रिपोर्ट भी, इसका मतलब क्या है, फिट है। यहाँ पर वो अपने सिग्नेचर जो भी होंगे वो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देगा, यहाँ पर अपना नाम डाल देगा, ठीक है, और यहाँ पर वो अपनी मोहर मार देगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी डेट है, वो यहां पर डेट आ जाएगी, ठीक है। तो एक चीज क्लियर हो गई, पहली चीज क्या हो गई, मेडिकल कहीं से भी करवा सकते हो, दूसरी चीज ये फॉर्म भी आपको फिल करके देना है, ठीक है। ये फॉर्म जो मैंने आपको बताया है वो अपने आप आपका फिल हो जाएगा, आप तो अपना नाम गाम पता भर देना जो भी इसके अंदर, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, आगे अपेंडिक्स जो उसके अंदर, ये वाला देखो, ये वाला जो उन्होंने कहा गया था अपेंडिक्स, ये वाली जो हाईलाइट किया गया, एक कॉपी ऑफ रूल, ये वाला है भाई आपके साथ, एक ये भी नोटिस के अंदर आया। इसमें क्या है, पॉइंट टू बी ऑब्जर्व बाय मेडिकल ऑफिसर इन एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट इन दिल्ली पुलिस, ठीक है। अब देखो,
ये किस लिए आया है, ये उन मेडिकल ऑफिसर के लिए, देखो पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व्ड बाय मेडिकल ऑफिसर्स, कि भाई आपका जो मेडिकल ऑफिसर वो क्या क्या पॉइंट्स है उनको ऑब्जर्व करेगा, उन चीज़ों को उन पर जाँच करेगा। तो ये आपको बताया गया है कि जो मेडिकल ऑफिसर या MO जो है आपका वो किन किन पॉइंट्स पे करेगा। तो देखिए वो क्या क्या हो सकते हैं आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, विजन अप टू द स्टैंडर्ड, ये देखिए यहाँ पर आपका दैट द विजन इज अप टू द स्टैंडर्ड, ठीक है। एक्चुअली बोथ आइज का आपका जो विजन है वो कितना है यहाँ पर, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है, ग्लास के साथ कितना है। आगे अगर हम बात करते तो ये इसी तरह से आपका, ये देखिए विदाउट ग्लास यहाँ पर दिया हुआ है कि कितना है, ये करेक्टेड के साथ कितना है, नियर विजन कितना है। तो ये जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई है, ठीक है भाई, जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको दी हुई है आप देख सकते हो, ये सारा मेडिकली आपको दिया हुआ है कि क्या 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 चीज़ें हैं आपकी, रेस्पिरेटरी होगी, डाइजेस्टिव हो गया। तो ये मेडिकल पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। आपको ये नोटिस जो है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको क्या करना है, दिल्ली पुलिस पर आपको जाना है, गूगल के ऊपर दिल्ली पुलिस डालोगे गूगल पे, फिर नीचे आएगा रिक्रूटमेंट, ठीक है, नीचे आएगा रिक्रूटमेंट, और उस रिक्रूटमेंट पर जब आप क्लिक करोगे तो ऊपर ही आपको दो नोटिस ही आपको दिख जाएंगे सबसे पहले ओपन करते के साथ, ठीक है। सो ये आपको इसलिए कि आपका क्या क्या चेक किया जाएगा आप देख सकते हो, और इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, ये जो पॉइंट्स हैं आपके, इन्हीं पॉइंट्स के अंदर जितना भी आपको दिया हुआ है, ये देखिए जितने भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स के टैटू दिया हुआ है कहाँ पर है क्या नहीं है। तो जितना भी जो मेडिकल के लिए जो चेकअप होता है उन सबके पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी क्या की जाएंगी, जाँच की जाएंगी, ठीक है ना। सो आप इन चीज़ों को आप इस नोटिस को पढ़ लेना, पढ़ने से आपको क्या होगा, इस नोटिस को आप देख सकते हो, अगर आपको इसमें लगता है कि मेरा कोई डिफेक्ट है और इसको मैं विद इन वन मंथ में अगर मैं इसको करेक्ट कर सकता हूं तो आप उसको क्या करना चाहिए, आपको उस चीज को करेक्ट कर लेना चाहिए एक बार, ठीक है। इनमें देख कर ही आपके लिए डिटेल्ड आ गया, यही सारा मेडिकल चेकअप आपका वहां पर MO करेगा आपका, ठीक है ना। सो बस यही था आपके लिए, इतना ही था इसके अंदर, यही सारी चीजें यहां पर दी हुई थी दो नोटिस के अंदर, यही नया जो नोटिस था वो आपके सामने आया था, वो मैंने आपको यहां पर सारी चीजें बता दी हैं, सारा नोटिस आपको यहां पर समझा दिया है। करना क्या है आपको, अब कुछ भी नहीं करना, जो भी सवाल था कहीं पर भी अपना मेडिकल करवा लो, किसी भी हॉस्पिटल में करवा लो, ठीक है, और ये सर्टिफिकेट फिल करके दे देगा, फिट एंड फिट बता देगा, और उसके बाद जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो वहां पर आपके चेक होंगे, और वो सारी चीजें चेक करवाने के बाद, दोनों को अटैच करने के बाद 1 फरवरी को जो आपके जब वहां डिपॉजिट होंगे मेडिकल, वहां पर वो आपको क्या करने, डिपॉजिट कर देने, ठीक है। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, होप सो आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे, और जो नोटिस है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। शुक्रिया।